मॉर्निंग एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग में हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आप ये जो हमारा चैप्टर है इसके अंदर मेन दो चीजों पर हमारा चैप्टर क्या करेगा पूरा आगे चलेगा कि कंसंट्रेशन में चेंज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे कैसे चेंज आता है, फिर वहाँ से कुछ टर्मिनोलॉजीज निकल कर आएगी जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, और फिर उसके बाद हम टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आगे का जो भी 2-3 लेक्चर होने वाले हैं इसके ऊपर होगा कि कंसंट्रेशन में अगर हम चेंज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो देखो सबसे पहले कंसंट्रेशन में चेंज करने में रेट ऑफ रिएक्शन में कैसा कैसा चेंज आता है इसके बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी थी गुल्डबर्ग एंड वेगे। किसने बताया था इसके बारे में सबसे पहले? गुल्डबर्ग एंड वेगे। और इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं 1867 की बात, इन्होंने एक लॉ दिया था जिसको हम सिंपली क्या बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। कौन सा लॉ बोलते हैं? लॉ ऑफ मास एक्शन। विजिबल एक्शन को लिखा हुआ गुल्डबर्ग और वेगे ने लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बोला कि अगर एक रिएक्शन है जिसके अंदर ए रिएक्टेंट है और उसके स्मॉल ए मॉलिक्यूल्स हैं, बी रिएक्टेंट है जिसके स्मॉल बी मॉलिक्यूल्स हैं, सी रिएक्टेंट है उसके स्मॉल सी मॉलिक्यूल्स हैं और डी रिएक्टेंट है और उसके स्मॉल डी मॉलिक्यूल्स हैं। तो गुल्डबर्ग और वेगे ने सिंपल सी एक चीज बोली, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा था, गुल्डबर्ग और वेगे ने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से बोला है ना प्रिडिक्ट कर कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज विद ईच टर्म, जिसमें हर टर्म के ऊपर पावर क्या लगेगी जो कि उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मतलब ए के कितने मोल हुए स्मॉल ए तो स्मॉल ए की पावर में चले गया, बी के कितने मोल हुए स्मॉल बी तो स्मॉल बी की पावर में, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन है ना। सिंपल सी चीज है, लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बोला हमने कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होगा मतलब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, रिएक्टेंट स्पीशीज का जितना भी मोलर कंसंट्रेशन है उनका मल्टीप्लाई। पर कंडीशन को क्या देगी, हर टर्म की पावर में क्या लगेगा जितने उसके नंबर ऑफ मोल्स है जितने नंबर ऑफ उसके मॉलिक्यूल्स ही है, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डायरेक्टली उसकी पावर में। इतना क्लियर है सबको? स्टेटमेंट लिख लेते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अपने स्मॉल आर से बताऊंगा, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of molar concentration of, देखो ये लॉ ऑफ मास एक्शन होता है शायद इसलिए मैंने मैंने सब करके टाइम को थोड़ा सही किया है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज विजिबल है सबको लिखा हुआ रेस्ट टू बी पावर इक्वल टू इट्स स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब एक का स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या जाएगा
उसके नंबर ऑफ मोल्स है, बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या जाएगा जितना उसके नंबर ऑफ मोल्स है मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट विजिबल है लिखा हुआ, हैंड राइटिंग छोटा तो नहीं लग रहा है। अब देखो लॉ ऑफ मास एक्शन से हम बात करते हैं, तो सिंपल सा अभी हमने कहा था कि हमारे केमिकल रिएक्शन है कैपिटल ए के स्मॉल ए मोल्स में, कैपिटल बी के स्मॉल बी मोल्स में, जिसमें प्रोडक्ट बना देखते हैं इसका स्मॉल सी मोल और प्रोडक्ट बना कैपिटल बी का स्मॉल डी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकल कर आया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसके कंसेंट्रेशन को, ब्रैकेट में क्या आएगा कंसेंट्रेशन वाले ब्रैकेट में रिएक्टेड स्पीशीज और पावर में क्या रहेगा जल्दी बताओ, पावर में क्या है ए एंड बी मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। इसका मतलब सीधा सीधा ये समझ में आ रहा है कि जितना स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा जितना ज्यादा रिएक्टेंट रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ेगा, है ना। पर पैरेलली जब गुलबर और फेगे ने ये लॉ दिया तो पैरेलली बहुत से दूसरे साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस कर रहे थे। एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस का मतलब क्या, एक्सपेरिमेंट कर करके देख रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं। तो सेम रिएक्शन की अगर हम देखें तो किसी साइंटिस्ट ने देखा कि रिएक्टेंट से क्या होता है, जैसे कि ये दोनों रिएक्टेंट है और ये दोनों क्या है प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है प्रोडक्ट। तो किसी साइंटिस्ट ने देखा कि अगर रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन वो टू टाइम्स तक का है, मतलब रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन टू टाइम्स से क्या कर देता है, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस बाय टू टाइम्स, मतलब अगर रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट उसने कितना लिया था एक किलो, अब रिएक्टेंट कितना कर दिया उसने दो किलो, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट दो गुना बढ़ाया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगी, मतलब कैसा रिएक्शन है दोनों में। फिर उसने बोला कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन को मैंने थ्री टाइम्स का, है ना, अलग अलग रिएक्शन के लिए देखा, ऐसा नहीं कि एक ही रिएक्शन के, पर मेन केस है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता, अगर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैंने क्या कर दिया इंक्रीजेस बाय थ्री टाइम्स, मतलब सेम रिएक्शन थी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट थ्री टाइम्स रेट ऑफ क्या कर दिया उसने रिएक्टेंट को कंसेंट्रेशन को बढ़ा दिया, तो उसको क्या मिला कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, इसने कंसेंट्रेशन को तीन टाइम्स से बढ़ाया रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई नाइन हो, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसेंट्रेशन के स्क्वायर में, बोल सकता हूं रिएक्टेंट में कंसेंट्रेशन के
स्क्वायर डायरेक्टली का प्रश्न कैसे उसने एक किलो रिएक्टेंट लिया था तो प्रोडक्ट बन रहा था जब रिएक्टेंट को तीन गुना कर देना जब रिएक्टेंट कितना ले लिया तीन किलो ले लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन किससे इंक्रीज हो गया डबल नहीं हुआ रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल भी नहीं हुआ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली कितना इंक्रीज हो गया नाइन टाइम्स इंक्रीज हो गया इंक्रीजेस नाइन टाइम्स इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ का कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रहे हो आप उसका किसके डिपेंड कर रहा है स्क्वायर थ्री का स्क्वायर होता है ना नहीं आई बात समझ में फिर उन्होंने एक और जगह देखा कि अगर मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को ऑब्जर्व करा रिएक्टेंट से क्या बन रहा है तो प्रोडक्ट उन्होंने बोला चलो हम रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन को बढ़ा देते हैं रिएक्टेंट के कंसेंट्रेशन को उन्होंने क्या कर दिया 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया पर जब ऐसा करके देखा तो रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया नो चेंज रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया मतलब 10R से उसने क्या बना दिया प्रोडक्ट बना दिया कोई भी चेंज नहीं आया किसी एक रिएक्शन के लिए उसने क्या करा अच्छा अभी इतना समझ लेते तो देखो यहां पर अगर हम देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किससे कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड स्पीशीज के यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है इतना समझ में आ गया था सबको कि अगर रिएक्टेड को मैंने तीन गुना बढ़ा दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया नाइन टाइम्स इंक्रीज हो गया मतलब प्रोडक्ट नाइन टाइम्स ज्यादा फास्टर बनने का था ठीक है तो देखो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो हो रहा क्या यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो हो रहा ये सेकंड वाले केस में लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो हो रहा कौन बताया कि अगर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को मैंने थ्री टाइम्स से इंक्रीज कर दिया मतलब पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था एक एक किलो था रिएक्टेंट अब रिएक्टेड को मैंने 3 किलो कर दिया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 3 पावर 3 से इंक्रीज होने की जगह 9 टाइम्स इंक्रीज हो गई मतलब यहां पे पावर में कुछ नहीं है लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि पावर में क्या आना चाहिए क्या यहां पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ रहा है नहीं आ रहा मतलब यहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो गया फेल हो गया फिर लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या बोला था कि यहां पर क्या आना चाहिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आना चाहिए अगर मैंने बोला रिएक्टेंट को मैंने 10 टाइम्स इंक्रीज कर दिया मतलब पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा था 1 मोल का रिएक्टेंट का मैंने रिएक्टेंट के 10 मोल कर दिए तो भी रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं आया मतलब रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रही इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो यहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हो गया फेल हो गया है ना अब आप दूसरी जगह आकर देखते हो मान लो आपने एक और जगह देखा तो वहां पर क्या चल रहा था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को 2 टाइम्स इंक्रीज करा मतलब पहले 1 मोल था कितने मोल यूज करे 2 मोल यूज करे और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके देखते ये अपन कैसे बता है एक्सपेरिमेंट करके जब एक्सपेरिमेंट करके रेट ऑफ रिएक्शन देखा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो गया ना पहले 1 मोल था तो रेट ऑफ रिएक्शन का मान लेते हैं 0.5 मोल्स पर लीटर पर सेकंड पर जैसे मैंने रेट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया डिक्रीज हो गया डिक्रीज होकर कितना आ गया रेट ऑफ रिएक्शन 0.1 मोल्स पर लीटर पर सेकंड तो देखो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाने पर क्या हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो रहा है मतलब कौन सा केस हो गया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 डिवाइडेड बाय आर लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं जल्दी बताओ अब 1 डिवाइडेड बाय आर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं प्लस 9 को मैंने पढ़ा है आर की पावर -1 तो
देखो यहाँ पर तो लॉ ऑफ मास एक्शन फॉलो नहीं हो रहा है, लॉ ऑफ मास एक्शन के साथ यहाँ पे टू आना चाहिए था, यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन के साथ थ्री आना चाहिए था, यहाँ पर टेन आना चाहिए था, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं आया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो था एक्सपेरिमेंट करने पर क्या पता चला कि लॉ ऑफ मास एक्शन में जो बोला था कि यहाँ पर पावर में हमेशा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा वो सही बात नहीं है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जगह कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और यही हमको किसने बताया, रेड लॉ। तो हमारा रेड लॉ यही है, ठीक है। इस पर एग्जाम्पल के तौर पर देखो कि क्यों हमको रेड लॉ की जरूरत पड़ी। समझ में आ गया लॉ ऑफ मास एक्शन किससे फेल हुआ? तो अब हेडिंग हम डालेंगे रेट लॉ, और रेट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ना। रेट लॉ आता है इस रेट लॉ के नाम से क्या सकता है, रेट एक्सप्रेशन के नाम से। अच्छा रेट लॉ मतलब क्या बताया? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेट नाम भी आ रहा है ना कि केमिकल रिएक्शन कितनी तेज होगी कितनी स्लो होगी। तो रेट लॉ आपको इन्फॉर्मेशन देगा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे मान लो अगर केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर कैपिटल ए रिएक्टेंट है जिसका स्मॉल ए मोल हुआ, कैपिटल बी रिएक्टेंट है जिसका स्मॉल बी मोल हुआ, कैपिटल सी प्रोडक्ट है जिसका स्मॉल सी मोल प्रोडक्ट बना, और कैपिटल डी प्रोडक्ट है जिसका स्मॉल डी मोल प्रोडक्ट। तो देखो लॉ ऑफ मास एक्शन से सिंपल सा क्या बोला था कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेड स्पीशी और उसकी पावर में जाएगा विद ईच टर्म रेशियो पावर इज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये किसने बोला था? लॉ ऑफ मास एक्शन। पर जब हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देखा तो ये चीज क्या पता चली कि गलत है। तो रेट लॉ क्या आया? रेट लॉ ने सिंपल सी ये चीज बोली, बस छोटा सा चेंज था। छोटा सा चेंज क्या था कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज विद ईच टर्म रेस टू पावर, विद ईच टर्म रेस टू सम पावर। हर टर्म के पास में क्या होगी? कुछ पावर में, विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू इट्स स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कि इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब ये एक्स और वाई ए और बी के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये चीज कैसे पता चलेगी हमको? एक्सपेरिमेंट करके। अगर एक्सपेरिमेंट से पता चला एक्स और वाई ए और बी के बराबर है, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन इसके ऊपर काम कर रहा है। अगर नहीं भी बराबर है तो भी हमारा रेट लॉ तो सही है। तो रेट लॉ हमेशा कैसे पता चलेगा आपको? बाय एक्सपेरिमेंट। कहां से पता चलेगा रेट लॉ का? आप एक्सप्रेशन लिखोगे हमेशा कैसे लिखोगे? एक्सपेरिमेंट करने के बाद लिखोगे, ठीक है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज विद ईच टर्म रेस टू सम पावर। हर टर्म के ऊपर कुछ पावर लगी हुई जो कि उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अच्छा प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया जाए कांस्टेंट है का के, है ना। इस के कांस्टेंट को हम बोलेंगे रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे हम? कौन सा कांस्टेंट बोलेंगे इसको? रेट कांस्टेंट। क्लियर है सबको?
कोई डाउट है इसके अंदर? तो इसकी डेफिनेशन क्या जाएगी, रेट ऑफ डेफिनेशन में हम लिख रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज। ठीक है, विथ इच टर्म रेस्ट टू दी पावर, इच टर्म रेस्ट टू दी सम पावर्स विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टाइकोमेट्रिक विजिबल है सबको? अब विजिबल है? अच्छा, रेट लॉ एक्सप्रेस, रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन में डिफरेंस क्या है, कौन बता सकता है? रेट लॉ और लॉ ऑफ मास, हाँ नहीं, एक्सप्रेशन को देखते कौन डिफरेंस बता सकता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, रेट लॉ के अंदर क्या हो रहा है, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इस रिएक्टेड स्पीशीज की पावर में क्या है, कोई सा भी कोफिशिएंट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे स्मॉल ए भी आ सकता है, स्मॉल बी भी आ सकता है, उसकी जगह और कुछ भी आ सकता है, अल्फा बीटा भी आ सकता है, मतलब अगर ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे 2 और 4 भी आ सकता है, 1 और 5 भी आ सकता है, -2 और -1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, और ये कुछ भी आएगा आपको किससे पता चलेगा, उनको एक्सपेरिमेंट करने का पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, एक्सपेरिमेंट करने पर। गुल्डबर्ग और वेगे ने बिना एक्सपेरिमेंट करे डायरेक्टली क्या बोल दिया था कि यहां पर सिर्फ क्या आएगा, स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मतलब यहां पर डायरेक्टली 2 और 4 आएगा और कुछ नहीं आएगा, है ना, लिख लिया हमने। अगर एक रिएक्शन जिसमें आर रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से जो भी वैल्यू आई, जो भी इसका कोफिशियंट आया, जरूरी नहीं यहां पर बने तो यहां पर भी क्या है बना। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन लिख दिया आपने, रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको कौन सा एक्सप्रेशन बोलते हैं, रेट लॉ का एक्सप्रेशन।
प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है तो उसको हमेशा लिख सकता हूं। इसको भी हम क्या बोलेंगे, रेट लॉ एक्सप्रेशन है, या इसको हम क्या बोलेंगे, रेट इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, रेट इक्वेशन। अब हमने पढ़ा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, कुछ ऐसा होता था रेट ऑफ रिएक्शन होता था, नहीं होता था चीज़ बताओ। इसके पहले पढ़ा था हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था, पढ़ा था सर। तो यहां से अगर मैं आरपी वैल्यू पुट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के, और ये आर की पावर में कुछ भी आ जाएगा एक्स, जो भी हमको रेट लॉस से एक्सपेरिमेंट करके मिलेगा। रेट लॉ के इस फॉर्म को हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है सबको। समझ में आ गया, लिख लो। तो रेट का एक्सप्रेशन हम आगे देखते हैं, बात करते हैं। हमने क्वेश्चन ली थी कि हमारा रिएक्टेंट है कैपिटल ए इसके स्मॉल ए मोल, कैपिटल बी इसके स्मॉल बी मोल, जो कि प्रोडक्ट बना रहा है कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज, और यहां पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में एक्सपेरिमेंट से करने पर पता चलेगा कि एक्स और वाई की क्या वैल्यू आ रही है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन बताया था हमने, तो क्या आया था, रेट कॉन्स्टेंट आया था। इस रेट कांस्टेंट की अगर अपन डेफिनेशन देना चाहते हैं, रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो देखो रेट कांस्टेंट की अगर अपन को डेफिनेशन देनी है तो अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखा, मैं मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीशीज को यूनिटी ले लेता हूं, मतलब ए का तो 1 मोल ले लिया, बी का तो मैंने कितने मोल ले लिया, 1 मोल पर लीटर ले लिया, और इसको भी 1 मोल पर लीटर ले लिया। तो अगर मोलार कंसंट्रेशन ऑफ ए को 1 मोल पर लीटर लिया मतलब 1 की पावर एक्स, और बी को 1 मोल पर लीटर लिया मतलब 1 की पावर वाई, तो रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल हो जाएगा रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन यहां से क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द इन्वॉल्वड रिएक्टेंट स्पीशीज इज यूनिटी। लिख लो, रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of all the involved reactant species is unit, उस समय का रेट ऑफ रिएक्शन जब सभी रिएक्टेंट स्पीशीज का कंसंट्रेशन क्या हो, यूनिटी हो मतलब 1, इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो अभी की क्लास में यहीं पर एंड करते हैं, है ना। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।